विश्वास, उनका प्यार मैंने कमाया। 14 में मैं जरूर सांसद बनकर आया था, पर 19 से 24 का रिश्ता मेरा उनके साथ एक बेटे का रिश्ता रहा। और मैंने पहले भी कहा था, युवा अवस्था में आया हूँ, बुजुर्ग बन के जाऊंगा। अब मुझे नहीं पता कि वो सांसद के रूप में होगा या किस रूप में होगा, पर एक बेटा बन के तो मैं जरूर वादा करता हूँ। कोई रीजन है, अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है। नहीं, लोगों को मौका मिलना चाहिए ताकि काम करे। शराब नीति को नीतीश कुमार जी आप थोड़ा समीक्षा कीजिए। हम तो यही कहते हैं कि ये शराब नीति नहीं चलना चाहिए, गलत है ये नीति। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा 2024 में। क्या तेजस्वी यादव की यात्रा में शामिल होंगे चिराग पासवान? क्या तेजस्वी यादव का अब खुलकर समर्थन करेंगे चिराग पासवान? ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान अब बगावत पर उतर रहे हैं। चिराग पासवान NDA से एक बड़ी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर चिराग पासवान की इस मांग को पूरा नहीं किया गया तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान एक बड़ा फैसला यहां पर ले सकते हैं। ये फैसला अकेले नहीं बल्कि अपने चाचा पशुपति पारस द्वारा ले भी सकते हैं। यहां पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो यहाँ पर पशुपति पारस की है, जहाँ पर उनके पास कुछ चुनिंदा सांसद मौजूद हैं, यहाँ पर चिराग पासवान खुद एक सांसद हैं। यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि अगर चाचा भतीजे मिल जाएंगे तो यहाँ पर तेजस्वी यादव को लोकसभा चुनाव के बीच में अगर समर्थन मिलता है तो तेजस्वी यादव की कहीं ना कहीं जीत यहाँ पर मुमकिन मानी जाएगी, और वही नीतीश कुमार को एक करारा झटका लगता हुआ नजर आएगा। दरअसल आपको ये बता दें कि चिराग पासवान के ये जो सुर पनप रहे हैं ये नीतीश कुमार के खिलाफ है, क्योंकि जब से नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ NDA के साथ अपना गठबंधन कर लिया है, तब से ही देखने को मिल रहा है कि नीतीश कुमार को तवज्जो NDA सबसे ज्यादा दे रहा है। नीतीश कुमार की बातों को माना जा रहा है, नीतीश कुमार के विधायकों को मंत्री बनाया जा रहा है, नीतीश कुमार के कहने पर सीटों का बंटवारा हो रहा है। अब लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के इस बड़े कदम के साथ चिराग पासवान बगावत कर सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान की बात करें तो वो अपनी पार्टी के लिए लगभग यहाँ पर 6 सीटें मांगते हुए नजर आ रहे हैं, वही 6 सीटें जो 2019 में चिराग पासवान ने मांगी थी। चिराग पासवान ने 6 सीटें तो NDA से मांगी थी, लेकिन जमुई जो उनकी एक संसदीय सीट है उससे ही जीत हासिल वो करते हुए नजर आए थे। इस सीट को जीतने के बाद और भी ज्यादा यहाँ पर मुखरता के साथ चिराग पासवान बोलते हुए नजर आए। चिराग पासवान ने खुलकर अपने चाचा का समर्थन किया और कहीं ना कहीं NDA को ललकारा कि यहाँ पर उनका अपमान नहीं किया जा सकता है, उनके फैसले भी सुने जाएंगे, यहाँ पर सीटों का बंटवारा भी होगा। क्या कुछ चिराग पासवान कहते हुए नजर आ रहे हैं देखिए जरा। ये थे इन 10 सालों में उन वादों को धरातल पर उतारने का मैंने प्रयास किया। जमुई की जनता ने जो प्यार दिया, और आज जिस तरीके से यकीनन मेरे लिए भी ये भावुक क्षणों में से एक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आने वाले दिनों में मेरी पार्टी क्या फैसला करती है, मुझे कहाँ से वो चुनाव लड़ाती है। पर आज जिस तरीके से सबकी आंखों में आंसू थे, आज जिस तरीके से सब लोग रास्ता रोक रहे थे कि भैया जमुई को छोड़ के मत जाइएगा, जमुई को छोड़ के मत जाइएगा, मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज़ ये मैंने कमाई, उनका विश्वास, उनका प्यार मैंने कमाया। 14 में मैं ज़रूर सांसद बनकर आया था, पर 19 से 24 का रिश्ता मेरा उनके साथ एक बेटे का रिश्ता रहा। और मैंने पहले भी कहा था, युवा अवस्था में आया हूँ, बुजुर्ग बन के जाऊँगा। अब मुझे नहीं पता कि वो सांसद के रूप में होगा या किस रूप में होगा, पर एक बेटा बन के तो मैं ज़रूर वादा करता हूँ कि जमुई की जनता के साथ अपनी आखिरी सांस तक यहाँ पे इन लोगों के साथ रहूँगा, एक बेटे के रूप में, एक भाई के तौर पर, एक साथी के तौर पर। उम्र भर मेरे वजूद को बनाने वाले जमुई के लोग हैं। आज प्रदेश भर में चिराग पासवान को या बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लोग जानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जमुई के लोगों की वजह से। आज जब इनकी आंखों में आंसू देख रहा हूँ तो ये बस यही कमाया मैंने।
हाँ बिल्कुल, ये नहीं आसान ये फैसले। राजनीति एक तरफ है बट ये फैसले आसान नहीं होते हैं। मुझे नहीं पता आने वाले दिनों में पार्टी क्या फैसला लेगी। चिराग पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद, रामविलास पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसा लोगों को आज देखा गया कि बुलडोजर से कुछ वर्षा कराई गई, भावुक आप भी हो गए हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता को देख रहे हैं वो भी लोग भावुक, वो चाहेंगे कि आप जमुई से ही चुनाव लड़े। मैंने कहा जमुई मेरी पहचान है, जमुई मेरी कर्म भूमि है। जैसे मेरे नेता की पहचान हाजीपुर था, वैसे ही मेरी पहचान, मैं जिंदगी में कहीं भी चला जाऊं, कुछ भी बन जाऊं, पर हमेशा मेरी पहचान सिर्फ और सिर्फ जमुई की वजह से रहेगी। मेरी अस्तित्व का एक एक कण यहाँ का ऋणी है। जब मैं कुछ भी नहीं था तब जमुई के लोगों ने मुझे अपनाया और मुझे इतना मजबूत किया कि घर परिवार पार्टी हर विपरीत परिस्थिति से लड़ते हुए मैंने अपने आप को संभाले रखा, संयमित रखा, सिर्फ और सिर्फ जमुई की जनता के आशीर्वाद से। ऐसे में यकीनन वो लगाव है, वो रिश्ता है। ये मैं सिर्फ एक बेटा होने के नाते अपनी भावनाओं को प्रकट। यहाँ पर आपने चिराग पासवान को सुना। सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी भी अब एक बड़ी बगावत के साथ देखे जा रहे हैं। वो जीतन राम मांझी जो एक वक्त पर जब फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ था तो मांग पर अड़े हुए थे। मांग थी कि यहाँ पर कुल मिलाकर 4 विधायक उनके पास हैं, 4 में से 2 विधायकों को मंत्री बनाया जाए। अभी तक जीतन राम मांझी के एक ही विधायक जो उनके बेटे हैं संतोष सुमन, उनको मंत्री बनाया गया है, लेकिन एक और विधायक को मंत्री बनाने पर जीतन राम मांझी अड़े हुए थे। इसी बीच जीतन राम मांझी एक बड़ा बयान देते हुए नजर आते हैं। जीतन राम मांझी कहते हैं कि नीतीश कुमार ने एक वक्त पर मुझे मुख्यमंत्री बनाया तो नीतीश कुमार को आज हमने मुख्यमंत्री बना दिया, तो यहां पर हिसाब बराबर हो जाता है। यानी कि नीतीश कुमार से जीतन राम मांझी अभी भी खफा है और खफा की वजह भी यहाँ पर कई बताई जा रही हैं। एक तो है विधायक का मंत्री ना बनाना, जीतन राम मांझी से एनडीए का सहयोग ना मिलना, जीतन राम मांझी को एनडीए का सहयोग नहीं मिल रहा है, नीतीश कुमार को पसंद ज्यादा किया जा रहा है, नीतीश कुमार की सुनी जा रही है। इसी के खिलाफ अब मोर्चा 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में अब जीतन राम मांझी देते हुए नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार की शराबबंदी पर भी हमला किया। शराबबंदी पर हमला करते हुए ये कहते हुए नजर आए कि बिहार में और राज्यों की तरह भी हम चल सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने शराबबंदी करके बहुत गलत फैसला लिया। क्या कुछ जीतन राम मांझी कहते हुए नजर आ रहे हैं देखिए जरा। तो बहुत सारी बातें हैं, आज हमारे पारसी समाज के लोग हैं वो बात कहते हैं तो नीतीश कुमार बिगड़ते हैं। आज शराबबंदी कानून है, शराबबंदी कानून का समीक्षा हम करने के लिए कहते हैं, किए तो, लेकिन हुआ यही क्या कि हाँ शराब पीते जाएंगे तो पकड़ेंगे नहीं, लेकिन उन पर इतना लगा देंगे टैक्स, इतना उसको दंड देंगे कि उतना पैसा देवे नहीं करेगा, वो चल जाएगा जेल में चल जाएगा। आज हमारे साथ हुआ है, हमारे गया से कुछ साथी लोग आ रहे थे, हो सकता है एक दो आदमी दारू पी लिया होगा और वो पी लिया था, उनसे गाड़ी को हैंड अप कर दिया, केस हो गया। ऐसा होना चाहिए, हमारा कहना है कि शराब नीति को नीतीश कुमार जी आप थोड़ा समीक्षा कीजिए। हम तो यही कहते हैं कि ये शराब नीति नहीं चलना चाहिए, गलत है ये नीति, और अगर इस तरह का बंदी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, झारखंड में, जहां महात्मा गांधी थे, गुजरात में नहीं है पाबंदी, उस मॉडल को आप अपनाइए ना, उसी के तरह यहां कीजिए, सरकार को आमदनी भी होगी और जो पीना चाहते हैं वो पिएंगे भी हिसाब से और काम होता रहेगा। इसलिए ये मत कीजिए जो आज की कर रहे हैं, उसके चलते पुलिस व्यवस्था के लोग बहुत तंग करते हैं हमारे लोगों को। आज 3 लाख के लगभग आज जेल के शिकंजा में हैं या कानूनी कार्रवाई के चक्कर में लोग हैं। हम तो कहना चाहते हैं आज के इस माध्यम से, माननीय नीतीश कुमार जी आप ही से संभव है, आप इसमें रिजिट नहीं होइए, आप शराबबंदी अच्छी बात है, हम आपसे कहना चाहते हैं
80 बरस हम उम्र है हमारा, हम आज तक हमारे यहाँ शराब बनती थी, शराब हमारे पिताजी माताजी पीते थे, लेकिन हम अपने ठोर पर एक बूंद शराब नहीं लाए। कौन कानून था? वैसे ही आप समाज में चेतना जगाइए कि कोई शराब नहीं पिए, और जहाँ ज़रूरत हो तो जैसे गुजरात में परमिट के अनुसार सब मिलता है, उस तरह से आप शराब की व्यवस्था कीजिए। और उसके बाद ताड़ी को आप ले लीजिए, ताड़ी को तो रोज प्राकृतिक जूस कहते हैं, हम भी कहते हैं। हमारे पिताजी, हम बीमार पड़ गए एक बार, हमको धातु चिंता हो गई, गरीब थे, पैसा नहीं था, तब हमारे बाबूजी कहीं अच्छा हम ठीक कर देंगे, 8 रोज खजूर की ताड़ी हमको उन्होंने पिलाया, आज हमारी धातु चिंता 80 वर्ष तक है, बाल बच्चे हुए सोचे आज एक गुण ताड़ी में है, औषधि है वो, आज उसको काहे बंद करा दिए हैं, लाखों लाख उसमें लगे हुए हैं, रोजगार भी देते हैं लोग। तो इस तरह से रिजिड मत होइए, शराब नीति की आप निश्चित रूप में अलवी कीजिए, घोषणा कीजिए कि हम उसमें हम सर्वेक्षण करेंगे, पुनः विचार करेंगे। अगर ये सब करते हैं तो इसके लिए हम आपको धन्यवाद देंगे, अगर नहीं करते हैं तो भाइयों बंधुओं आपसे हम प्रार्थना करना चाहते हैं, हम लोग जितना सीट से लड़े, कहीं भी रहिए आप लोग, हमारे पार्टी के लोगों को जिताइए, अगर हम 40 नहीं हम 20 भी जीत के आते हैं तो दावे के साथ कहते हैं कि इस कानून को हम रफा दफा करवा देंगे, ये हम दावे करते हैं। जीतन राम मांझी को आपने सुना। अब तेजस्वी यादव अपनी जन विश्वास यात्रा में निकले हुए हैं, और जन विश्वास यात्रा में निकले हुए यहाँ पर तेजस्वी यादव हुंकार भरते हैं, कहते हैं कि 10 लाख नौकरियों का वादा हमने किया था, आरजेडी ने किया था, और आरजेडी पूरा करते हुए नजर आ रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र पे आरजेडी ने काम किया है, एक नौजवान ने काम किया है, थके हुए सीएम तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बकलोली करते हुए नजर आते हैं, ऐसा तेजस्वी यादव का कहना है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव, देखिए जरा। सच्ची बताइए, किसके मुंह से आपने सुना था 10 लाख सरकारी नौकरी देने का? बताओ, डिप्टी सीएम रहते हुए अगर हम 5 लाख लोगों को नौकरी दे सकते हैं, तो अगर हमको मौका मिलेगा तो सब बेरोजगारों के दुख दर्दों को हम लोग दूर करने का काम करेंगे। हम नौजवान नए सोच के नया बिहार बनाना है। अब मेरा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए आदरणीय थे, हैं और रहेंगे, बुजुर्ग हो चुके हैं, पुराने ख्यालात के हैं, ना कोई विजन है और ना गठबंधन बदलने का कोई रीजन है। अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है। नए लोगों को मौका मिलना चाहिए ताकि यहाँ के सुनहरे भविष्य को देखते हुए काम करे, बिहार को अव्वल राज्यों में लाने का काम करे। और हमने आगाज कर दिया है कि बिहार को विकसित राज्य बनाना है, रोजगार, कमाई, पढ़ाई, सिंचाई, कमाई की बात करनी है, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय दिलाने की बात करनी है। इस काम में हम लोग लगे हुए हैं, तो हम तो चाहेंगे कि इस जन विश्वास यात्रा में आप सब लोगों का साथ मिले, आप सब लोगों का आशीर्वाद मिले, आप सब लोगों का प्यार मिले। तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। लेकिन हम लोग तो देखो 17 महीने में ये काम किया है, जो 17 साल में किया। आज जो लोग भी कहते होंगे कि नौकरी उन्होंने दिया, तो जरा उनसे पूछना कि 17 साल जब बीजेपी के साथ आप सरकार में थे, तब आपने क्यों नहीं किसी को सरकारी नौकरी देने का काम किया? जो 4.5 लाख नियोजित शिक्षक थे, कई सालों से आंदोलन कर रहे थे, समाज के आम समाज नेता से लेकर के हर बात को ले रहे थे, हम लोगों ने 17 महीने में उन 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को सरकारी दर्जे का हम लोगों ने मौका दिया है, हम लोग राजकीय दर्जा उनको मिला है। ये काम हम सब लोगों ने किया,
लेकिन यही 20 की बात याद कीजिए, जब हम कहते थे 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे तो हमारे चाचा बोलते थे कि कहां से लाएगा, अपने बाप से पैसा मांग के ला करके वेतन देगा, ये बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलते थे असंभव है। तो जो उस समय के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी माना करते थे कि भाई असंभव है, हमारे 17 महीने आने के बाद उसको हमने संभव करके उनके हाथ से नियुक्ति पत्र हमने बंटवाने का काम किया। तेजस्वी यादव की इस बयान के आधार पर ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को उम्मीद है कि कई और दल भी उनके साथ आए। तेजस्वी यादव को उम्मीद है कि यहाँ पर बड़ा फेरबदल फिर से होगा लोकसभा चुनाव के बीच। अब देखना होगा कि जीतन राम मांझी, चिराग पासवान क्या अब तेजस्वी यादव का सहयोग करते हुए नजर आएंगे। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी और तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।